तो राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी कब है, इस महीने की एकादशी कब है, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ पूजा विधि बताऊंगी और कौन सी एकादशी इस महीने में पड़ रही है। तो इसे पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है, प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम एकादशी भी इस एकादशी को कहा जाता है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में जो है ना ये एकादशी पड़ती है, लेकिन अभी श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष नहीं है क्योंकि बीच में आ गया है अधिक मास। तो अधिक मास में इस एकादशी के पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा हो गया है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा फल जो है ना मिलता है। विशेषतः अधिक मास में भगवान विष्णु के लिए ही हवन किया जाता है, भगवान विष्णु की जो है ना अधिक मास में पूजा की जाती है। आपको बता दूँ एकादशी है कब, तो 29 जुलाई शनिवार के दिन ये एकादशी है। ये इस बार एक ही एकादशी पड़ रही है, इसलिए मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। जब कभी दो एकादशी पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन सी एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। तो 29 जुलाई शनिवार के दिन एकादशी का व्रत है। इस एकादशी में किस चीज़ का प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है, धनिया और गुड़ की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है, जो कि मैं आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि धनिया गुड़ को किस तरह से प्रयोग किया जाता है इस एकादशी में। कौन कौन से सामान की आपको आवश्यकता होगी, सारा सामान आपको अपने घर में मिल जाएगा। एक चौकी या पटा ले लीजिएगा, उसके ऊपर आपको पीले कलर का वस्त्र बिछाना है, घी का दीपक तैयार कर लेना भगवान के दाहिने और आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा की जो है ना इस एकादशी में पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी की पूजा का विशेष प्रधानता जो है ना इस एकादशी में रहती है। अगर आपके पास ऐसी कोई फोटो है जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों हैं, तरह की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके घर में है उनका आप पूजन कीजिए। अगर इस तरह की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में नहीं है तो केवल लड्डू गोपाल का ही आप पूजन कर लीजिए और भगवान ब्रह्मा का जो है ना आपको मन में ध्यान जरूर करना है, क्योंकि इस एकादशी में ब्रह्मा जी की प्रधानता सबसे ज़्यादा बताई गई है। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है ताकि ये पूजा हमारी निर्विघ्न हो, और इस व्रत को करने से, इस पूजा को करने से आपको संतान का सुख जो है ना प्राप्त होता है। अगर आपके यहाँ संतान अगर किसी कारणवश अगर नहीं है तो अगर आप इस एकादशी में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो संतान का सुख आपको मिलता है। अगर संतान अगर आपके यहाँ पहले से है तब भी इस व्रत को आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि संतान का जो सुख होता है वो भी आपको जो है ना मिलेगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, पुष्प में थोड़ा सा जल लेकर 4 बार आपको इस तरह से जल चढ़ाना है, पुष्प से ही जल चढ़ाना है। तस्वीर का जब हम पूजन करते हैं तो इस तरह से जो है ना जल चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास कोई मूर्ति है भगवान की तो मूर्ति को जो है ना आप प्रॉपर तरह से स्नान करवाइए, जैसे कि मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है। अगर पीले कलर का दुपट्टा या कोई तौलिया वगैरह है वो भी जो है ना इस पूजन में आप चढ़ा सकते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में अगर आप पीले कलर का वस्त्र अगर आप किसी को दान भी कर देते हैं ना तो उसकी प्रधानता जो है ना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और परम पुण्यदायी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर सबको चंदन लगा देंगे। इस फोटो में जितने भी सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मा जी भी इस फोटो में है, तो सबको जो है ना आपको तिलक लगाना है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास पीले कलर का जनेऊ था तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। अगर आपके पास पीले कलर का जनेऊ ना हो तो थोड़ा सा चंदन या थोड़ी सी हल्दी लगाकर जो है ना सफ़ेद कलर का जनेऊ भी जो है आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लेनी है आपको तिली। एकादशी के व्रत में तिली की प्रधानता सबसे ज़्यादा मानी गई है, तो चावल आपको भूलकर भी यूज़ नहीं करने हैं, केवल आपको तिली का ही जो है ना प्रयोग करना है। तो हमने थोड़ी सी तिली ली है, थोड़े से आपको तुलसी दल लेना है, यानी तुलसी के पत्ते आपको लेना है और भगवान विष्णु का तुलसी और तिली से जो है ना अर्चन करना है, जो कि मैं आपको पहले कईयों वीडियो में दिखा चुकी हूँ। गोपाल सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से जो है ना आप तुलसी और तिली से भगवान का अर्चन कीजिए, आपका एकादशी का जो व्रत है, जो आपने पूजा की है, वो पूरी सफल हो जाती है मात्र एक अर्चन करने से। बाद लेना है आपको सूखा हुआ धनिया और खड़ा धनिया आपको लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का खड़ा सूखा धनिया लेना है। इसी से जो है ना भगवान ब्रह्मा जी का जो है ना पूजन किया जाता है, तो भगवान ब्रह्मा जी पर विशेषतः जो है ना आपको ये धनिया जरूर चढ़ाना है। अगर आपके पास ब्रह्मा जी की कोई तस्वीर या फोटो नहीं है तो भगवान विष्णु की जो भी फोटो तस्वीर है उन पे जो है ना ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए जो है ना धनिया आप जरूर चढ़ाइएगा। धनिया इस व्रत में खाया नहीं जाता, लेकिन
ब्रह्मा जी का पूजन जो है ना धनिये से ही जो है ना किया जाता है इस व्रत में। इसके बाद आपको गुड़ लेना है, गुड़ भी का भी जो है ना आपको भोग ज़रूर लगाना है। इस एकादशी में गुड़ का ही भोग लगाया जाता है, गुड़ ही खाया जाता है और गुड़ का ही जो है ना दान किया जाता है। तो गुड़ का आपको दान ज़रूर करना है और गुड़ ही आपको खाना है, थोड़े से कम मात्रा में खाना, क्योंकि गुड़ जो है ना गर्म होता है। उस समय हमारे जो एरिया में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो थोड़ा कम मात्रा में आपको गुड़ खाना है। इसके बाद आपको जो है ना इत्र लगा देना है। इस बार मैंने अलग इत्र का प्रयोग किया है, तो स्प्रे वाला इत्र था, बड़ी ही बेहतरीन वाली जो है ना इस पर खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर मैंने फल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर अबरक, सिंदूर, गुलाल एक पुष्प में लगाकर ना जो है ना भगवान पर इस तरह से अर्पित कर देंगे। कहीं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे अपने तरह से मैंने पूरी कोशिश की है आप चीज़ आपको सारी सामग्री के बारे में, सारी विधि के बारे में जो है ना पूरी मैं आपको जानकारी दूँ। तो संतान की प्राप्ति होती है, संतान का आपको सुख मिलता है इस एकादशी में पूजा करने से, व्रत करने से। हाँ, इस एकादशी में एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, नाम की कंफ्यूजन। तो नाम को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 29 जुलाई शनिवार के दिन एकादशी है, चढ़ाना क्या है वो भी मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा चुकी हूँ। गुड़ और धनिया की प्रधानता सबसे ज़्यादा है, कोई भी मौसमी फल आप इस एकादशी में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं, कोई एक मौसम का फल ले लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लीजिए। उसके बाद जो है ना आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। कथा में भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि इस एकादशी की पूजा करने से आपको संतान का सुख और संतान की आपको प्राप्ति होती है। इस एकादशी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। पुरुषोत्तमा एकादशी से बोला जाता है, बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग थोड़ा समझ जाना। पद्मिनी एकादशी से बोला जाता है, प्रदायिनी एकादशी भी इसे बोला जाता है, पुत्रदा एकादशी भी इसको बोला जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पहले से ही मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद आपको आरती करनी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आप सबसे नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।